तो यार देखो एम मैच्योर वेब सीरीज का सीजन 2 तो खत्म हो चुका है, तो फिर आज के वीडियो में बात करेंगे कि इसके एंडिंग में आखिर क्या क्या हुआ, यानी कि एंडिंग एक्सप्लेनेशन, और इसका सीजन 3 कब तक आएगा, और सीजन 3 में क्या क्या हो सकता है, तो फिर बहुत कुछ बातें करनी, तो फिर शुरू करते हैं। अब देखो यार मैं पूरी कहानी तो नहीं बताने वाला सीजन 2 की, वरना बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाएगी वीडियो, मैं बहुत ही शॉर्ट से बताऊंगा, वो भी बिल्कुल एंडिंग का सीन, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा ये सीरीज तो फिर आपको तो मालूम होगा कि इसके शुरुआत से लेकर अंत तक क्या होता है। तो फिर देखो इसके एंडिंग में तो कुछ ऐसा होता है कि छाया, याद है ना छाया कौन है, अरे वही हमारे ध्रुव की एक और नई गर्लफ्रेंड जो बन सकती थी लेकिन बनी नहीं, उसने रिजेक्ट कर दिया ध्रुव को, लेकिन फिर भी दोनों फ्रेंडशिप में हैं। अब देखो दोनों जो है ना आसमान को देख रहे, आधी रात को तारे गिन रहे, उसी में जो ना दोनों की डीप बातें चल रही है कि देखो प्यार क्या होता है, प्यार कैसा होता है, जब प्यार होता है तब क्या होता है, और इन सबके बीच जो है ना ये रियलाइज होता है ध्रुव को कि देखो मैं तो छाया से प्यार करता ही हूँ और छाया को मुझसे प्यार नहीं है। अब देखो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ छाया को मैं प्यार करता हूँ। ध्रुव को रियलाइज होता है जब छाया उसे ये सब बता रही होती है कि प्यार क्या होता है, प्यार होने पर क्या होता है, एक लड़का लड़की दोस्त बन सकते हैं कि नहीं, प्यार होता है कि नहीं, उस वक्त ध्रुव को ये रियलाइज होता है कि मैं तो छाया से पक्का वाला प्यार करता हूँ। और उसी वक्त, जी हाँ उसी वक्त बिल्कुल एंड में जो है ना, छाया को भी ये लगता है कि मैं ध्रुव से प्यार करने लगी हूँ। जी हाँ आप लोगों ने अगर ध्यान नहीं दिया हो तो फिर जाकर फिर से देखो कि वो अपने मन में कहती है कि शिट लगता है प्यार ने मुझे भी ढूंढ लिया है। और यहाँ पर ये बात तो क्लियर होती है कि दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते, लाइक करते, अब वो प्यार है कि लाइक है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ हमारे ध्रुव भैया के लिए तो अच्छा है ये दोनों लाइक करते। तो फिर इसके एंडिंग में कुछ ऐसा होता है, और आपको तो पता ही होगा कि छवि और हमारे ध्रुव का ब्रेकअप हो चुका था बीच में सीरीज के बीच में, उसके बाद से छवि की कोई ज्यादा खबर नहीं है। तो फिर यहाँ पर छाया और हमारे जो ध्रुव है उन दोनों के बीच टाका फिर सकता है, लेकिन इस समय देखने को मिलेगा सीजन 3 के अंदर, और सीजन 3 आएगा ये तो पक्की बात है, क्योंकि इस सीरीज की जो एंडिंग हुई है ना वो बिल्कुल ओपन एंडेड है। तो फिर इसका सीजन 3 तो आएगा इसकी स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। अब देखो सीजन 3 में क्या क्या हो सकता है उसके आज हम लोग बात करने वाले। अब देखो सीजन 3 में जो है ना दो मेनली दो चीजें आपको दिखाई दे सकती है, एक तो ध्रुव और छाया की लव स्टोरी शायद आगे बढ़े, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों जो है अपना प्यार कन्फेस नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों ही प्यार करते हैं लेकिन दोनों कन्फेस नहीं कर पा रहे अभी तक, क्योंकि दोनों को जो है ना दोस्ती में ही रहना है, प्यार तक नहीं जाना है। लेकिन शायद सीजन 3 में प्यार हो जाए और दोनों कन्फेस भी कर दे और दोनों की लव स्टोरी भी चले जैसा कि सीजन 1 में चल रहा था छवि और हमारे ध्रुव का। उसके बाद सीजन 3 में जो ना एक मेजर चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो हो सकता है छवि का बैकग्राउंड, क्योंकि देखो जब छवि और ध्रुव का ब्रेकअप हुआ है ना तो फिर देखो छवि तो कोटा में है और हमारा जो ध्रुव है वो यहाँ पर है, और हम उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ ध्रुव की ही कहानी दिखाई गई है ध्रुव के साइड से, ध्रुव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर हम ऑडियंस को बिल्कुल पता नहीं है, कोई भी अंदाजा नहीं है कि छवि कहाँ है, छवि क्या कर रही है, छवि के साथ क्या हुआ है, ब्रेकअप के बाद उसका क्या हाल है, क्योंकि हमारे ध्रुव भैया तो मजे कर रहे हैं नए दोस्तों के साथ, मजे कर रहे हैं और शायद उनको एक नई गर्लफ्रेंड भी मिल गई, लेकिन छवि का क्या हुआ, छवि क्या अभी भी दुख में है या फिर उसका भी कोई नया बॉयफ्रेंड बन गया, ये सब हमें देखने को मिलेगा सीजन 3 में। और हाँ हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जब छवि को पता चलेगा कि हमारे ध्रुव की एक नई गर्लफ्रेंड बन चुकी है जिसका नाम छाया है, जिसके दोनों के नाम बिल्कुल मिलते जुलते, तो फिर मैं अगर गलत बोल रहा तो फिर माफ करना, तो फिर जब छवि को पता चलेगा कि ध्रुव का चक्कर चल रहा है छाया के साथ तो फिर क्या बवाल होगा, तो फिर क्या तहलका मचेगा। 3 के अंदर ये तो हमें देखना पड़ेगा जब ये रिलीज होगा। आप देखो इसकी जो रिलीज डेट है वो तो अभी तक आई नहीं है, हालांकि इसको बनने में कम से कम 2 साल तो लगेंगे ही, क्योंकि टीवीएफ अपनी सीरीज जल्दी निकालता नहीं है। तो फिर अगर आप लोग मान के भी चल रहे हो कि इसका सीजन 3 आएगा तो फिर अभी से 2 साल तो मान के चलो कि 2 साल से पहले तो इसका सीजन 3 नहीं आने वाला है। तो फिर आशा करते हो कि आपको ये थोड़ी बहुत मेरी बातें समझ आई होगी, समझ आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने का मन हो तो फिर करो, वरना मत करो, फोर्स नहीं कर रहा हो तो फिर अब टाटा।